क्या होगा दोस्तों अगर हम ये एसी डीसी सीलिंग फैन को डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे, तो क्या हमारा ये एसी डीसी सीलिंग फैन डायरेक्ट 220 वोल्ट पर चलेगा बगैर सर्किट के, या तो फिर ये ब्लास्ट करेगा? तो दोस्तों कुछ भी नहीं पता, इसका हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो आज की, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले सर फैन आपको हम चला के चेक करवा देते हैं, वरना कुछ भाई हमें कमेंट करेंगे कि ये फ़ैन जो है ना वो 220 वाला था या तो फिर ये पहले से ख़राब था। ये देख लें दोस्तों, फ़ैन हमारा बिल्कुल ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं इसके अंदर में। लेकिन अब इसको हम चेक करेंगे 220 वोल्ट देकर, आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि इस एसी डीसी सीलिंग फैन को अगर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, तो इसकी हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना लें। तो चलें फिर दोस्तों, सबसे पहले इसका जो सर्किट है वो हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर आपको हम चेक करवाते हैं इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाकर। तो दोस्तों हमारे पास ये दो वायर मौजूद है 220 वाले। अब ये वायर जो है वो हम फैन में लगा के चेक करते हैं, फैन की वायर में, कि हमारा जो फैन है वो चलता है या जलता है। तो दोस्तों इस वायर को लगाने से पहले हम एक और एक्सपेरिमेंट इसमें करके देख लेते हैं कि हमारा जो फैन है वो डायरेक्ट अगर बैटरी पर हम चेक करें तो बैटरी पर चलता है या नहीं। तो जब फैन का सर्किट हमने निकाला हुआ है तो ये भी ट्राई हम करके देख लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, वायर हमने लगाया लेकिन हमारा जो फैन है सिर्फ झटके ले रहा है लेकिन चल नहीं रहा, यानी कि डायरेक्ट इसको बैटरी भी हमने चेक किया तो बैटरी भी डायरेक्ट नहीं चल रहा। अब 220 डायरेक्ट देख लेते हैं कि 220 पर चलता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये वायर भी हम आपको चेक करवा देते हैं, इसके अंदर में फुल करंट मौजूद है। ये देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, ये 220 के वायर है हमारे। तो अब ये वायर हम इसके अंदर टच करके चेक करेंगे कि फ़ैन हमारा क्या रिएक्शन देता है। तो दोस्तों फ़ैन के अंदर में ये वायर हमने लगाई तो फ़ैन जो है ना वो हमारा सिर्फ झटके मार रहा है, चल तो नहीं रहा और जल भी नहीं रहा। तो चलें फिर ये बटन बंद करके इस वायर को अच्छे तरीके से अटैच कर देते हैं इसके अंदर में, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन है इसका। तो दोस्तों फ़ैन हमारा जो है ना सिर्फ हल्के हल्के झटके ले रहा है लेकिन चल नहीं रहा। तो इसे हम डायरेक्ट अगर 220 पर चलाना चाहें तो डायरेक्ट 220 पर भी नहीं चला सकते, और अगर डायरेक्ट बैटरी पर चलाना चाहें तो डायरेक्ट बैटरी पर भी नहीं चला सकते। तो इसे चलाने के लिए जो सर्किट है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक जुगाड़ हो सकता है कि इसको जो ना हम डायरेक्ट 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से चला सकते हैं। उस 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के अंदर में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो ऐड करने के बाद उसको हम चला सकते हैं, जो लैपटॉप के चार्जर वगैरह होते हैं उससे। सर्किट को हम निकाल के फेंक देंगे, सिर्फ डायरेक्ट 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से चलाएंगे। तो दोस्तों उसकी वीडियो भी हमने बना दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सामने स्क्रीन में भी वीडियो शो हो रही होगी, तो आप उस वीडियो को देख लें, आपका इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।